उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में कुछ बदलाव तो होने तय हैं। पीडीए का फॉर्मूला कितना सटीक साबित होगा और क्या हिंदुत्व के कार्ड पर वापस बीजेपी कर पाएगी। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं के इसी दौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बीते तकरीबन 12 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में कुछ बदलाव तो होने तय हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है, उस तरीके का कोई बड़ा चौंका देने वाला फैसला फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हार के कारणों पर लगातार चर्चा हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की बात भी की जा रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे, लेकिन बीते 12 घंटे के भीतर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची, उसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि भाजपा सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन के फेरबदल की भी बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव की जो भूमिका बनाई गई है, उसमें जातिगत समीकरणों और जहां पर पार्टी चुनाव हारी है उसका पूरा सियासी खाका खींचा गया है। अब सियासी खाका क्यों खींचा गया है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव और इससे पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्रों के मुताबिक जिन इलाकों में लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन इलाकों से अगर राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां से सियासी समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारी देने की चर्चा हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीते कुछ दिनों में जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें निष्कर्ष निकला है कि अगर जातीय समीकरणों के आधार पर सभी सियासी दावपेच दुरुस्त कर लिए जाए तो आने वाले चुनाव के नतीजे बेहतर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उपचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले संगठनात्मक और सरकार के बदलाव में पिछले समय दलितों को और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव के परिणाम के बाद बदलाव करने की तैयारी में है। माना यही जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी के कुछ नेता जो मंत्रिमंडल में है वो संगठन में आ सकते हैं, जबकि कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार में मंत्रियों के विभाग का फेरबदल भी है। सूत्रों की माने तो बीते कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में लाने के लिए इस तरीके के कई सुझावों पर चर्चा हुई है। फिलहाल माना यही जा रहा है कि जो बड़े फेरबदल की बात सियासी गलियारों में चल रही थी, उन पर ना तो मंथन हुआ और ना ही ऐसा कोई बड़ा चौंका देने वाला फैसला होने वाला है। देखिए, यूपी बीजेपी में अंदरखाने मचे से घमासान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी अंदरूनी झगड़े में फंस गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। वही आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 5 को सपा का किला माना जाता है। ये सीट करहल, कुंदुरकी, कटहरी, सीसामऊ और मिल्कीपुर है। करहल से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधायक है। अखिलेश यादव अब सांसद बन गए हैं, वे कन्नौज से जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं। वही मिल्कीपुर सीट अयोध्या के अंतर्गत आती है। अवधेश प्रसाद 9 बार यहाँ के विधायक रहे हैं, उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। कटहरी अम्बेडकर नगर की सीट है। यहाँ से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, वो अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन गए हैं। कुदुर की सीट मुरादाबाद के अंतर्गत आती है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसे सपा का गढ़ माना जाता है। जियाउर रहमान वर्क यहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार संभल लोकसभा सीट से जीतकर वो सांसद बन गए। अब ऐसे में आने वाले उपचुनाव में बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की साख का भी सवाल है। अगर इसमें जीत मिलती है तो ये लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए मरहम का काम करेगा।
इसलिए योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को हाल में जीत दर्ज करने के अभी से क्षेत्रों में डटे रहने को कहा है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी में टिकट के लिए भी भागदौड़ शुरू हो गई है। विधायक से सांसद बनने वाले नेता जहां अपने परिवार के किसी समुदाय को टिकट दिलाने में जुटे हैं, तो वहीं कई पूर्व सांसद कहा जा सकता है कि विधायक भी टिकट के दौड़ में शामिल हैं। अभी दौड़ में कितने नेताओं को टिकट मिलेगा, कितनों का कटेगा, कितनों के चेहरे मायूस नजर आएंगे और इन 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, पीडीए का फॉर्मूला कितना सटीक साबित होगा और क्या हिंदुत्व के कार्ड पर वापस बीजेपी कर पाएगी, इसका इंतजार। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।